कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। वाटर कैनन लगाया गया है और पुलिस की पूरी फौज भी यहां पे तैनात कर दिया गया है। आज किसानों के ऊपर गोलियां चल रही है, आज किसानों पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। वो किसान कौन है? इस देश के दाता है। सारे बंधन तोड़ के आएंगे और कांग्रेस सरकार को वापस लाएंगे। अगर ये 400 के आए, 40 भी सीटें ले आए, 40 सीट भी नहीं आई, 40 भी ले आए, सब सड़क पर है, फिर इनको वोट कौन दे रहा है? मुझे लगता है कि जो जर्मनी में जो हिटलर था, वो दूसरा हिटलर हिंदुस्तान के अंदर आ गया मोदी जी के रूप में। नमस्कार, आप उल्टस में यूसी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूद दिल्ली में है और आपको हमारे पीछे जो ये भीड़ दिख रहा है, और आज ये लोग इनकम टैक्स के सामने आज इनका धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कल जो खबर निकल कर सामने आई कि कल इनकम टैक्स के द्वारा कांग्रेस के खाते को फ्रीज कर दिया गया, जिसके बाद आज सड़कों पर कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर चुके हैं। लेकिन हम आपको पीछे की तस्वीर दिखाना चाहें तो पीछे भी पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम करके रखा गया है। ये जो आपको बैरिकेड दिख रहा होगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। वाटर कैनन लगाया गया है और पुलिस की पूरी फौज भी यहां पे तैनात कर दिया गया है। और आज एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार यहां पे प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे निकले हैं, हालांकि इनसे बातचीत किया जाए और जरा समझने का प्रयास किया जाए। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि कांग्रेस के खातों को सीज किया गया था लेकिन फिर उसको बहाल कर दिया गया, आज आप लोग क्यों आ गए? अब तो काम हो गया आपका। देखिए, जब एक तानाशाही हो जाती है ना, उस तानाशाही के खिलाफ एक बार उठना पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री 2013 में कहते थे कि हाय गरीब, बेरोजगारी, पैसा पैसा पैसा, बाहर जो पैसा मैं लूट रहा हूँ वो लेकर आऊंगा वापस। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री छुपे बैठे हैं, बड़ा डर लग रहा है देश के प्रधानमंत्री को। एक शेर है राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी से और गांधी परिवार से इतना डर इस देश के प्रधानमंत्री को लगा हुआ, इस बीजेपी की सरकार को लगा हुआ, हमें समझ नहीं आ रही कैसा डर क्यों है बीजेपी को। तो कह रहे 400 पार, जिसको 400 पार करनी होती 543 सीटें हैं, 543 क्यों नहीं बोलते? 443 इसलिए बोल रहे हैं कि 370 सीटें आई थी इनकी, अब 300 से और डाउन होंगी, चिंता ना करिए। देश की जनता इनसे जवाब मांगेगी। आज किसानों के ऊपर गोलियां चल रही है, आज किसानों पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। वो किसान कौन है? इस देश के दाता है। क्या कहते थे मुख्यमंत्री जब थे? MSP आनी चाहिए। 2013 के अंदर इन्होंने क्या कहा? हाँ भाइयों बहनों, जब मेरा गरीब भूखा सोता है तो मुझे दर्द और एहसास होता है। आज मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आज गरीब सो रहा है और देश का प्रधानमंत्री AC के अंदर आराम से सोच रहे हैं, बड़े बड़े हवाई जहाजों के अंदर घूम रहे हैं। क्या किसानों के पास गए? क्या मणिपुर गए? क्या गरीब की जनता की आवाज को सुना? नहीं सुना। ये तानाशाही चल रही है। एक राहुल गांधी है जो इनसे संभल नहीं पा रहे, वो चाह रहे राहुल गांधी पे जो करना कर दो, हमारा पैसा बंद कर दो, हमें रैलियां करने से बंद कर दो, हमें आवाज उठाने से बंद कर दो। तो ये कांग्रेस का सिपाही आप देख रहे हैं, ना कांग्रेस का सिपाही डरा था, ना डरा है, ना डरेगा। एक शेर है जो इस भाजपा से, इस देश के प्रधानमंत्री से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इन गरीबों की आवाज सुनो, इन किसानों की आवाज सुनो, इन बेरोजगारों की आवाज सुनो, एक ये लाचारों की आवाज सुनो। लेकिन देश का प्रधानमंत्री, उठाओ कांग्रेस को डाल दो। ये क्या तानाशाही चल रही? हम डरने वाले नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को फिर चैलेंज है, या तो सुधर जाओ या चले जाओ। 2024 में चले जाओ, जाना पक्का है, तय है, ये बिल्कुल तय है। 2024 में नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और कांग्रेस आ रही है। मेरा मतलब ये है कि निर्दोष किसानों के सामने ऐसी पुलिस व्यवस्था करके उनको रोकी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, और यहाँ पर जो है वही हमारे साथ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि देश में तानाशाही चल रही है, और हम ये तानाशाही कतई नहीं चलने देंगे। सारे बंधन तोड़ के आएंगे और कांग्रेस सरकार को वापस लाएंगे। क्या मांग कर रहे हैं आज आप लोग कह रहे हैं खाता सीज कर दिया गया। जी, खाता तो बहाल हो गया। देखिए, इस कदर डर बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री पर कि वो बिल्कुल अब तानाशाही पर, मतलब लोकतंत्र खत्म करने पर उतर आए हैं। अगर आपको अकाउंट सीज
करने हैं तो अडानी अंबानी जैसों के कहिए, पूंजीपति हैं जो देश के जनता का पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका उनके अकाउंट सीज कीजिए। मगर हम राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम इन चीजों से घबराते नहीं। खाली ये जरूरी नहीं है कि पैसे से ही इलेक्शन लड़ा जाता है, राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश की जनता है, पूरा देश का बच्चा बच्चा उनके साथ है, देश का बच्चा बच्चा उनके साथ है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, एक तरफ कहा जा रहा है की बार 400 पार, कहा जा रहा है कांग्रेस जितना पिछली बार लाई थी उतना भी नहीं ला पाई। देखिए बिल्कुल सही सवाल किया आपने, अगर ईवीएम है तो हकीकत में 400 पार, अगर बिलेट पेपर से चुनाव होता है तो तड़ी पार, तड़ी पार। जब तक इनके पास ईवीएम का जिन है तब तक ये कामयाब है। अगर मैं गारंटी से कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री की तो गारंटी छोड़िए, मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ, आप ईवीएम पर बैन लगा दीजिए, अगर ये 400 क्या या 40 भी सीटें ले आए, 40 सीट भी नहीं आई, 40 भी ले आए, पूरा देश तराई तराई कर रहा है, पूरा देश, आप किसानों को देख ले, फौजियों को देख ले, नौजवानों को देख ले, देश के युवा को देख ले, बेटी को देख ले, सब सड़क पर है, फिर इनको वोट कौन दे रहा है? कोई वोट नहीं दे रहा। देश के साथ इन्होंने छल किया है, देश को गुमराह करने का काम किया है, राम के नाम पर, भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, इसके अलावा देश में और कुछ नहीं हो रहा। 2 करोड़ नौकरियां इनसे नहीं दी गई, स्मार्ट सिटी इनसे नहीं बनाई गई, एम्स हॉस्पिटल इनसे नहीं बनाए गए, इन्होंने देश को छलने का और गुमराह करने का काम किया। क्या मांग कर रही है आज आप लोग आई है? इनकम टैक्स को कह रहे हैं, इनकम टैक्स घेरने के लिए, इनकम टैक्स की बात करें तो पैसा जो था वो रिलीज कर दिया गया, अब क्या लगा है आपको? पैसा है कांग्रेस सरकार के पास, दिख रहा है मोदी सरकार को, उनको डर है, उनकी हार सामने आ गई, बुकलाए हुए हैं, पागल हो चुके हैं मोदी सरकार, उनको दिख रहा है कि हम 2024 में अब किस तरीके से हारने वाले हैं। वो 400 पार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हारने वाले, वो तो दिख ही जाएगा 400 पार है कि 200 पार है, घर घर जाके जनता से तो पूछो, सिलेंडर पार कितने का है, राशन पार कितने का है, GST कहां पर है, जनता को रोटी नहीं मिल रही खाने को, जाए गरीब के घर में पूछे, अमीरों से क्या पूछ रहे हैं, जाके गरीबों के घर में पूछे, गरीबों के घर जा जाके आप एक एक घर में गेट खटकाए और जाके पूछे उनका क्या हाल है, आप किस तरीके से जी रहे हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं उनसे पूछे, जो कांग्रेस सरकार के टाइम पे 300 रुपए का सिलेंडर था आज वो 1200 रुपए का है, तो वो गरीब जनता कहां से लाएगी, घर का किराया भरेगी या 1200 रुपए का सिलेंडर लेगी? 1200 का सिलेंडर लेगी, घर का किराया भरेगी या 1200 का सिलेंडर लेगी? क्या आज आप क्या मांग कर रहे हैं? आज आप लोग भारी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग आज की, मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है हमारी कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि ये व्यापक भ्रष्टाचार है और इसके अंदर अडानी अंबानी जो बीजेपी को फंडिंग करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो फंडिंग करते हैं, उनके काले धन को छुपाने के लिए बीजेपी ने एक नियम बनाया था, उसके ऊपर टिप्पणी करी, बीजेपी ने अगले दिन को कांग्रेस पार्टी खाते फ्रीज कर दिए, तो ये तानाशाही है। और मुझे लगता है कि जो जर्मनी में जो हिटलर था वो दूसरा हिटलर हिंदुस्तान के अंदर आ गया मोदी जी के रूप में, तो ये तो हिटलर शाही है। आप लोग मोदी जी को हिटलर मानते हैं? जी बिल्कुल हिटलर है, जो आप देख रहे हो जिस तरह से तानाशाही चल रही है, जहां जहां से आवाज उठती है वहां पे ईडी आ जाती है, CBI आ जाती है, IT आ जाती है, तो हर तरह की जो एजेंसियां हैं जो निष्पक्ष रूप से काम करती थी कांग्रेस के राज में, निष्पक्ष रूप से काम करती हैं, आज मोदी जी के इशारे पर उस आवाज को दबाने की, लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए काम कर रही है। जहां से भी मोदी जी के खिलाफ आवाज उठेगी, ईडी, IT और आपके CBI तुरंत आके वहां पे छापा मार देगी। आप लोग कह रहे हैं लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है, मोदी जी कह रहे हैं इस देश में लोकतंत्र की जननी है, आप जननी में कहां आप लोग फिर ये वही बात कर रहे हैं? देखिए जननी तो आप देख ही रहे हैं, जिसके यहाँ CBI का छापा पड़ता है अगले दिन को BJP ज्वाइन कर लेता है, वो ज्वाइन कर लिया बताइए, एक नेता का नाम नहीं बताएंगे भाई, पूरी लिस्ट है, सुबह से शाम हो जाएगी, जितने भी नेताओं ने BJP ज्वाइन करी है उनके, देखिए उनके खिलाफ या तो CBI जांच चल रही है, या तो ED की जांच चल रही है, या IT की जांच चल रही है, सारे के सारे वो नेता जाके उस गंगा के अंदर, जो BJP एक गंगा है उसके अंदर डुबकी लगा के पवित्र हो जाते हैं। हर तरह से BJP मोदी जी लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे अंग्रेजों से और मुगलों से आजाद कराने के लिए पूरा देश एक हुआ था, अब BJP सरकार नरेंद्र मोदी जी की वही नीतियां हैं, वो ये सब भुखमरी, परेशानियां, हिंदू मुस्लिम, रोजगार नहीं है, परेशानियां, एजेंसियां दूसरे काम कर रहे हैं जो देश हित में काम करने चाहिए थे वो कुछ और काम कर रहे हैं, किसान बोर्डरों पे अपना दुहाई दे रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, जनता को इंसाफ चाहिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है। अब जैसे कि एक तरीके से जीरो से भारत देश आजादी की लड़ाइयां लड़ी गई थी, अब दुर्भाग्य हमारा और हमारे देश का और जनता का कि हमें वही लड़ाई दोबारा से लड़नी पड़ रही। लेकिन सरकार तो कह रही सब चंगा है, कहां कोई दिक्कत नहीं, महंगाई
कहाँ है, महंगाई कहाँ, सरकार कहती है महंगाई कहाँ है, किसान कह रहे हैं बात हो रही है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, महंगाई कहीं नहीं है, जो उद्योगपति हैं, जो उनके जो बड़े लीडर हैं, उनके काम करने वाले लोग हैं, सरकारी अफसर हैं, उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। जो जनता सुबह से शाम रोजाना कमाती है खाती है, महंगाई तो उसके लिए जो वोट दे के इन्हें राजा बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, देश के मंत्री बनाते हैं, महंगाई तो उनके लिए, आम जनता के लिए जो झुग्गियों में। पार क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, 400 पार जो मोदी जी नारा दे रहे हैं हमेशा, उसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, देश के राजा हैं, तानाशाह हैं, हिटलर हैं, उनके हाथ में सारी एजेंसी हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो 400 नहीं अगर 800 पार भी कर सकते हैं, हो सकते हैं अलग से, तो सीटी नहीं है भाई। नहीं वो कर सकते हैं, अगर वो कहें 400 नहीं 800 है तो हम तो कहेंगे यस कर सकते हो आप, क्योंकि अगर बैलेट पेपर से अगर जब तक ये काम नहीं होगा, वोट नहीं पड़ेंगे, गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा, देश का हमारा पैसा विदेशों में जाएगा या तानाशाह के हाथों में जाएगा, हम बोल नहीं पाएंगे, अगर बोलेंगे तो पुलिस फोर्स खड़ी होगी लाठी चार्ज के लिए, कैलन खड़ी होगी पानी के लिए और बसें भरने के लिए, हम अपराधी जो देश के नागरिक हैं वो तैयार खड़े।